ऑल राइट, सो आज एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो मेरे सामने खड़ी है द रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 एंड आज हम लोग इसका करने वाले कंप्लीट राइड रिव्यू। और दिखने में तो जो है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कड़क, इसकी प्राइसिंग है मैं नीचे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। एंड यहाँ पे जो आपको और एक वेरियंट मिलते, एक है ये वाला वेरियंट है, दूसरा वेरियंट जो है वो कम्प्लीटली टूरिंग फोकस में, जहाँ पे आपको विंडशील्ड मिल जाएगी, पीछे बैकरेस्ट मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आप जो रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। सो सीधा शुरू करते इस मोटरसाइकिल का वॉक राउंड सबसे पहले, उसके बाद करेंगे इसका राइड रिव्यू। दादा दादा सो सीधा चलते मोटरसाइकिल की तरफ और मैं बैठ जाता हूँ मोटरसाइकिल में, आपको बताऊंगा कि भाई ये मोटरसाइकिल बैठने के बाद कैसा फील होता है। भाई डेफिनेटली बैठने के बाद यहाँ पे आपको प्रीमियमनेस मिलती है, स्पेशली बाइक का जो यहाँ से जो लुक एंड फील है बहुत ही ज़्यादा कड़क है। एंड इसकी जो सीट हाइट है वो बहुत ही कम है, तो मेरे जो है दोनों पाँव नीचे टिकते हैं। मेरी जो हाइट है वो है 5'10", दोनों पाँव नीचे टिकते हैं। इस मोटरसाइकिल के लिए आपको ज़्यादा हाइट नहीं लगेगी, अगर आपकी हाइट 5.5 भी है फिर भी आसानी से मैनेज हो जाएगा। बट इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको लेकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी कि भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो क्या नीचे टच होती है, वो जो है मैं आपको बताऊंगा मोटर व्लॉग करने के टाइम पे। एंड इसके सस्पेंशन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स थे, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, यस इट इज़ अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, काफ़ी ज़्यादा कड़क है। इसकी जो फुट पैग्स है वो फ्रंट सेटिंग में, तो यहाँ पर आपको कम्प्लीट वो क्रूज़र वाली फीलिंग मिल जाती है, आप देख सकते हो। मतलब काफ़ी यू नो आपको लगेगा कि आप कुछ चला रहे हो, आपको ऐसा फील होता है। एंड यहाँ पे जो आपको एक 15.7 लीटर्स की टैंक मिलती है और यहाँ पे आपको ये रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग भी मिल जाती है जो एम्बॉस शेप में बाहर आती है। ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखता है, काफ़ी ज़्यादा कड़क देते हैं। और ये जो सिल्वर कलर है, काफ़ी ज़्यादा स्पार्कल वाला सिल्वर कलर यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया 15.7 लीटर्स की टैंक, जिसमें से आपको ऑलमोस्ट 20-25 के आसपास माइलेज मिल जाएगी। इतना ही नहीं, इसका जो फ्यूल कैप है, इसका जो फ्यूल कैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ये आपको यहाँ पे ऐसे ओपन करना है, यहाँ पे चाबी लगाना है और ये ऐसे करके खुल जाता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। सो यस, ओवरऑल लुक एंड फील मोटरसाइकिल काफ़ी मज़ेदार है। इसकी जो सीट है, इसकी जो सीट है वो भी कंफर्टेबल है, राइडर के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट पिलियन के लिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको नाराज़गी होगी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल सीट। तो सीट जो है काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो पिलियन को बैठने के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। मतलब अगर आपने ज़ोर से थ्रॉटल ओपन कर दिया तो शायद वो पीछे खिसक के गिर भी सकता है। इसके लिए जो इसका जो टूरिंग वेरिएंट है, जिसमें आपको पीछे वो बैक रेस्ट मिल जाती है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी चलते मोटरसाइकिल के इंजन की तरफ। से यहाँ पे जो है आपको एक 650 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 47 पीएस ऑफ पावर एंड 52.3 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो आपको ये क्रैश गार्ड भी मिल जाता है, गॉड फॉरबिड अगर आपकी बाइक गिरती है तो इंजन को जो है डैमेज नहीं होगा। और इसका आप एग्जॉस्ट देख ही सकते हो, एक एग्जॉस्ट यहाँ पे रहेगा ये जो कम्प्लीटली क्रोम ट्रीटमेंट में आएगा, और दूसरा एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा जैसे कि आपने देखा। और इसका जो साउंड है काफ़ी ज़्यादा कड़क है, तो सुन लेते इस मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट नोट। भाई यहाँ पे ना आपको वो पटाखेदार वाला एग्जॉस्ट नोट मिल जाएगा, एग्जॉस्ट को लेकर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। पीछे की साइड आ जाते हैं, सो पीछे की साइड जो है आपको यहाँ पे ये ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है बाइब्रेक की तरफ से। फ्रंट एंड बैक में आपको ड्यूल चैनल एबीएस का सपोर्ट मिलता है। एंड यहाँ पे जो है आपको एक बहुत ही रेट्रो लुकिंग वाली ब्रेक लाइट मिलती है जो एलईडी में आती है। टर्न इंडिकेटर्स भी जो रहेंगे आपको मिलेंगे एलईडी में ही। और ये बाजू आ जाते हैं, सो यहाँ पे जो आपको सारी गार मिल जाएगा, ये इसका सारी गार। एंड यहाँ पे आपको ये मेन स्टैंड के साथ साथ साइड स्टैंड भी मिलता है, जिसमें आपको कट ऑफ फीचर भी मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसका जो फ्रंट में है, इसका फ्रंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो फ्रंट में जो है यहाँ पे आपको कंप्लीट एलईडी सेटअप मिल जाएगा। सो ये पहली रॉयल एनफील्ड है जहाँ पे आपको कंप्लीट एलईडी सेटअप मिलता है, मैं आपको ऑन करके बता देता हूँ। तो दिस इज हाउ इट लुक्स, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। इसके जो फ्रंट फोक्स है, यहाँ पे आपको शोवा की तरफ से यूएसडी फोक्स मिलते हैं बेस्ट इन क्लास, और यहाँ पे आपको ये सिल्वर कलर का मड गार्ड भी दिख जाता है। और टायर पे आ जाते हैं, सो यहाँ पे आपको फ्रंट में ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाए। आपको 119 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वाइड है सीएट की तरफ से। और अभी आ जाते हैं मोटरसाइकिल के हैंडल बार पे। सो हैंडल बार पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप काफ़ी बढ़िया सा एल्यूमिनियम फिनिश मिलता है जो सिल्वर में आता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, पहले तो यहाँ पे आपको आई बटन मिलता है,
ये रहा इसका आई बटन, ये हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए, ये है टर्न इंडिकेटर्स, ये है हॉर्न, ये है इंजन किल स्विच, तीनों में एक ही आ जाएगा, इंजन किल स्विच स्टार्ट स्टॉप सभी का एक ही में आएगा। एंड यहाँ पे आपको हज़ार लाइट भी मिल जाते हैं इस मोटरसाइकिल में। यहाँ पे जो आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं, क्लच एज वेल एज ब्रेक लीवर्स जो रहेंगे आपको मिलेंगे एडजस्टेबल। और अभी आ जाते हैं इसके कंसोल पे। सो यहाँ पे जो आपको वही सेम मीटियो 350 वाला कंसोल मिलता है, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगी अपनी स्पीड, एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलता है जिसमें आपको आपका फ्यूल गेज मिल जाएगा, कौन सी गियर में चल रही मिल जाएगी, ओडोमीटर मिल जाएगा, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ट्रिप ए ट्रिप बी ओडोमीटर। एंड यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रिपर नेविगेशन मिलता है जिसमें आपको नेविगेशन वगैरह सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो ये था एक कंप्लीट वॉक अराउंड ऑन द सुपर मीटियोर 650। अभी मैं काम करता हूँ, मैं घुसता हूँ अपने मोटर ब्लॉग के सेटअप में एंड लेट्स सी ये बाइक चलने में है कैसी। लेट्स डू दिस। सो मैं आ चुका हूँ अपने मोटर ब्लॉग के सेटअप में और ये रही बाइक की चाबी, हैशटैग खुशियों की चाबी इन द चैट पे। यहाँ से ना बाइक काफ़ी ज़्यादा कड़क लगती है, मतलब अब कहीं से भी देखो ये मोटरसाइकिल आपको पसंद ही आने वाली है। और यहाँ पे आपको ये क्रोम मिरर्स मिलते हैं जो राउंड शेप में आते हैं। वाह यार, चलो बैठते हैं इस पर। जैसे कि आपने सुना तो सबसे पहले बात करेंगे मोटरसाइकिल के कंफर्ट की। भाई ये मोटरसाइकिल ना मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ, अगर आपकी हाइट बॉडी मेरे जितनी है, मतलब मैं 5'10" हूँ और मैं ऑलमोस्ट 70-80 किलो का हूँ, तो आपको ये बाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगने वाली है। इतना ही नहीं, ये मोटरसाइकिल को ना मैंने कल पूरा दिन चलाया है विदाउट शूटिंग अ वीडियो, बिकॉज मुझे देखना था कि ये कैसा फील होता है। तो मैंने ऑलमोस्ट इसको पूरा दिन चलाया और मुझे जो है थोड़ा भी फटिक नहीं हुआ इस मोटरसाइकिल में, इट इज़ दैट कंफर्टेबल। ठीक है, और इसके जो फुटपैक्स है वो फ्रंट सेटिंग में, ये 15 लीटर की जो टैंक है वो इतनी बड़ी है कि आपके थाइस जो है काफ़ी मज़े से टक इन होते हैं और अगर आप चाहो तो खुले भी रख सकते हो। हैंडल बार्स जो है वो इतने ज़्यादा वाइड है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब फुल ऑन यहाँ पे आपको क्रूजर वाली लुक एंड फील मिल जाती है। सीट्स आर कंफर्टेबल, राइडर की सीट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यस, तो मैं बोल सकता हूँ इट इज़ कंफर्टेबल। अगर आप क्रूजिंग के लिए अपने लिए मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हो तो ये गाड़ी जो है आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करेगी। वाह, और अभी आ जाते हैं मोटरसाइकिल के इंजन पे। भाई वैसे तो ये वही सेम इंजन है जो आपको इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी में मिलता है, बट यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत मैपिंग वगैरह जो है वो अलग किया हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे आपको वो सुकून मिलता है चलाने में, जो रिफाइनमेंट लेवल से आपको थोड़े बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर टू बाइक्स। सो भाई टॉर्क के मामले में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, मिड रेंज काफ़ी अच्छा खासा है और पुल जो होती है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कड़क, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, गाड़ी ना सीधा हवा के साथ बात करना शुरू कर देती है। एंड द इंजन इज़ सो रिफाइंड कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लगेगा, नॉकिंग वगैरह जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है ये तो मैं आपको बता ही सकता हूँ। और अगर मैं वाइब्रेशंस की बात करूँ तो भाई इसमें ना ऑलमोस्ट ना के बराबर वाइब्रेशन है, मतलब आपको थोड़े बहुत फुटपैक्स के यहाँ पे मिलते हैं बिकॉज ऑफ इसका जो इंजन है फुटपैक्स के यहाँ पर ही है। और हाई स्पीड्स में ना आपको हैंडल बार्स पे थोड़े बहुत वाइब्रेशन लगते हैं, बाकी सीट के यहाँ पे वगैरह जो है इतने वाइब्रेशंस नहीं है। और आप गाड़ी जब खोलते हो ना तो क्या आवाज़ आता है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंजन। और इस इंजन में ना आप टॉल गियर, मतलब सादा गियर में लो स्पीड पे भी चला सकते हो, मैं आपको करके दिखा दूँ। अभी मेरी गाड़ी थर्ड गियर में आ चुकी है, मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला रहा हूँ, अगर मैं इसको फोर्थ में भी डालता हूँ फिर भी चल रही है, देखिए चल रही है, नो इश्यूज एट ऑल। और अगर मैं खींचूँ तो खींच भी देगी। तो अगर आप ट्रैफिक वगैरह में चलाते हो ना इस मोटरसाइकिल को, तो आपको झंझट मारी नहीं है कि घड़ी घड़ी गियर अप डाउन करो, वैसी वाली झंझट मारी यहाँ पर नहीं मिलेगी। और 100 तो क्या टच कर लेती है यार ये मोटरसाइकिल, हंसते हंसते विंड ब्लास्ट ज़रूर से लगती है। इसके लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उसका टूरिंग वेरिएंट आता है जिसमें आपको बड़ा सा वाइजर वगैरह सब कुछ मिल जाता है, बट फिलहाल मेरे पास वो वेरिएंट नहीं है। दिस इज़ मोर ऑफ अ स्ट्रीट क्रूजर टाइप ऑफ लुक एंड फील।
और हाँ, अबे इसका ग्राउंड क्लियरेंस को लेके बहुत लोग बोल रहे थे, तो सामने स्पीड ब्रेकर आ चुका है, मैं आपको स्पीड में लेके दिखाऊंगा, ठीक है? अपन स्पीड में लेते हैं, देखते हैं गाड़ी नीचे टच होती है या नहीं। देखिए मैंने छोड़ दिया है, ओ शाबाश, गाड़ी टच नहीं हुई। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी गाड़ी नीचे टच होगी या नहीं, बिकॉज के सस्पेंशन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिए हैं ना कि आपको वो, मतलब अगर ऑब्वियसली बात है, अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसको ये करोगे, नीचे टच करवाओगे, तो कोई भी टच हो जाएगा। देखो और एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है, हम लोग वापस से थोड़ा और स्पीड में लेंगे, बिकॉज इसका सस्पेंशन स्टिफ है ना, तो गाड़ी उछलती है, तो मुझे पसंद नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये कर नहीं हुआ, मैं ऑलमोस्ट 40-50 की स्पीड पर था, इससे फास्ट मैं लेना नहीं चाहूँगा, बिकॉज गाड़ी की रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। सो ये सस्पेंशन आर वर्किंग वेल, बट द सस्पेंशन आर ऑन द स्टिफर साइड। अगर आप उसको खड्डे में से लेके जाओगे तो आपको ज़रूर से वो जर्क महसूस होगा 110%। तो अगर आप सिटी में चला रहे हो तो मेरी मानो इसको स्लो सेटिंग पे डाल दो, बट अगर आप इसको मान लो जेंटली ले, तो ये देखिए तो आपको अच्छे से मदद कर देगी, मतलब प्रॉपर वो क्रूज़र वाली जो चीज़ है ना, वो यहाँ पर आपको मिलती है। तो मान लीजिए अगर आप बहुत ही ख़राब पैसे जा रहे हो, अगर आप इसको धीरे धीरे से लेके जाओगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ज़ोर से या खड्डे में से जोर के जाएगी तो झटका 100% लगेगा। तो सस्पेंशन को लेकर ना थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। और हैंडलिंग पे आ जाते हैं भाई, ये नो डाउट इस मोटरसाइकिल का वेट आपको ज़रूर से फील होता है। ये देखिए मैं आपको करके बता दूँ, बिकॉज इसकी जो टर्निंग रेडियस है वो भी कम है। ये देखिए अगर मुझे यहाँ से एकदम शार्प यू टर्न लेना है, तो ये टर्निंग रेडियस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब मुझे यहाँ से जाना है तो मैं नहीं जा पाऊँगा, तो मुझे पूरा गाड़ी को घुमाना पड़ेगा। ये देखिए, तो ये करने के लिए ना गाड़ी का वजन आपको ये टाइम पे ना आपको गाड़ी का वजन फील होता है, बट वंस आपकी गाड़ी मोशन में आ गई, फिर तो गाड़ी जो ऐसा लगे कि ये 240 किलो का गाड़ी है ही नहीं, ऐसा लगता है। इज़ जस्ट दैट कि अगर आप वो टू यू टर्न मारने के टाइम पे, ऐसे टाइम मारने के टाइम पे आपको इसके हैंडल बार्स और बाइक का वजन लगेगा, बिकॉज हैंडल बार्स भी इसके जो है वो स्ट्रॉन्ग सेटिंग पे है, आपको वजन तो डेफिनेटली फील होगा। बट अगर आप एक बार यूज्ड टू हो गए ना, फिर आपको दिक्कत नहीं है। और हैंडलिंग की अगर बात करूँ तो भाई दिस हैंडल्स लाइक एकदम ही ज़्यादा मस्का, मतलब क्या हैंडल होती है बाइक यार, कोई दिक्कत नहीं कुछ नहीं। वेट के वजह से गाड़ी जो प्लांटेड रहती है और जो रोड को चिपक के चलती है, मज़ा आ जाएगा आपको, वाव। पर अगर आप इसको अगर एक नॉमिनल स्पीड में ऐसे घुमाते हो तो आपको शायद पाँव भी नीचे रखने का ज़रूरत ना पड़े, इसका मतलब वैसा वाला सीन, मतलब आपको ना पहले इस गाड़ी से थोड़ा यूज्ड टू होना पड़ेगा, बिकॉज इतनी भारी गाड़ी हम लोग रेगुलर में तो नहीं ही चलाते हैं, ठीक है? और ये ना ये यहाँ से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, एल्यूमिनियम फिनिश, ये वो, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा और आपको लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे, वो तो है ही। ब्रेक टेस्ट करके यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ड्यूल चैनल ABS का सपोर्ट। ये देखिए गाड़ी तुरंत, मतलब इसका स्टॉपिंग पावर इज रियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने जोर से लीवर खींच दिया तो गाड़ी है मेरे को लगता है एकदम को स्टॉप ही मार देगी, इट वेरी स्ट्रॉन्ग। रेयर ब्रेक टेस्ट करेंगे, ये देखिए मेरा ABS एंगेज हो चुका था, देखिए वो आप लोगों को कड़कड़ आवाज़ आया रहेगा ना, तो ABS एंगेज हो चुका रहेगा। अब मुझे ना एक चीज़ इस मोटरसाइकिल के बारे में ये पसंद है कि इसका जो गियर सिस्टम है बहुत अच्छा खासा, मतलब कई बार क्या था ना, हम लोग स्टॉप मोशन में होते हैं और हम लोग अगर गियर चेंज करना है तो गाड़ी को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है, बट यहाँ पर वैसा नहीं। अगर मैं आप क्लच दबा, ये देखिए सेकेंड में आ गया, ये न्यूट्रल में भी आ गया, मतलब आपको गियर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। गियरिंग को यहाँ पर मैं दे दूँगा 10/10 यार, मतलब और कुछ आपको यहाँ पर गरज नहीं है। और क्लच जो है, अगर आप ट्रैफिक में चलाओगे तो थोड़े टाइम के बाद आपको हैवी लगेगा, बट अगर आप हाईवे पे चलाओगे जहाँ पे क्लच का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता तो आपकी उंगलियों में ज़्यादा दर्द नहीं होगा। बट हाँ, मैं कल ट्रैफिक में चला रहा था तो मेरी उंगलियों में थोड़ा स्ट्रेन पड़ना शुरू हो चुका था। तो थोड़े बहुत बिट्स एंड पीसेस में यहाँ वहाँ जो है, अगर गाड़ी में आपको थोड़ा अच्छा लग सकता है, कुछ चीज़ें अच्छी लग सकती है, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लग सकती, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा देख सकते हो। बट द बाइक इज़ वंडरफुल, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ यार। अगर आप क्रूजिंग, अगर आपको एक क्रूज़र पसंद है ना टूरिंग के लिए, सो आई थिंक इससे अच्छी अभी बाइक मार्केट में आपको बाइक नहीं मिलेगी। सो ये था मेरा आज का रिव्यू ऑन द सुपर मीटियोर 650। फाइनल वर्डिक्ट जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अपने लिए क्रूज़र ढूंढ रहे हो 5 लाख के अंदर बजट में, आपको पैरेलल ट्विन चाहिए, और ये गाड़ी ना एक आई कैचर है, मतलब
इसको अगर आप टूरिंग पे लेके जाना चाहते हो ना, रोड की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफ रोडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपको फेस पे बड़ी सी स्माइल आने वाली है, जस्ट गो फॉर इट। इतना ही नहीं, इसका और एक राइड रिव्यू मैं लेके आने वाला हूँ जिसको मैं ट्रैफिक में चलाने वाला हूँ, और मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको डेली चला सकते हो या नहीं, स्पीड ब्रेकर थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी करेंगे उसमें, तो उसके लिए जो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा वो जो है एकदम ही प्रैक्टिकल रिव्यू रहेगा। ये था एक ऑलराउंडर रिव्यू। सो यस, आई थिंक दिस इज़ अ गुड बाइक फ्रॉम अ रॉयल एनफील्ड, डेफिनेटली अ कैच। और इसके फुटपैक्स भी जो आप देख सकते हो काफ़ी मोटे से, तो आपका पाँव पूरा यहाँ ना यहाँ पे टिक जाता है, और मेरे जो जूते का साइज़ है ना वो 10 नंबर है, तो मेरी पाँव जो है गेयर तक पहुँचते, बट इट इज़ ऑन द टॉलर साइड, मतलब आपको थोड़ा बड़ा जूता पहनना पड़ेगा यहाँ पे। एनीवेज, इट इज़ अ वंडरफुल मोटरसाइकिल, अगर आप ढूंढ रहे हो अपने लिए एक ऐसी बाइक तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर करना, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच।